गोरखपुर जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक रविवार को नए 388 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी समेत अनेक लोग पॉजिटिव पाए गए। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,132 हो गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्री कांत तिवारी ने की। उन्होंने बताया कि इनमें 140 से अधिक कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 3113 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, एक की मौत हो गई है। रविवार को जो 388 नए मरीज मिले हैं, उनमें शहरी क्षेत्र में 244 जबकि 123 मरीज ग्रामीण क्षेत्र सहित 21 अन्य स्थानों पर मिले हैं। आपको बताते हैं कि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर जनपद में रविवार को 388 नए मरीज मिले हैं, जिसमें 3113 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं जबकि 7875 डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिसमें घर पर आइसोलेशन वाले भी शामिल हैं। 140 से अधिक की मौत हो चुकी है, जिसमें शहर में 244 मरीज रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए जबकि 123 मरीज ग्रामीण क्षेत्र के थे। रविवार को 388 कोरोना के नए मामले आए हैं, जिसमें शहर में 244 और ग्रामीण क्षेत्र में 123 है व 21 अन्य स्थानों पर मिले हैं। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि शहर में दो सौ चौवालीस मरीज और ग्रामीण क्षेत्रों में 123 मरीज पाए गए हैं, जिसमें शाहपुर थाना क्षेत्र में 41, गोरखनाथ थाना क्षेत्र के 44, कैंट क्षेत्र में 63, राजघाट में 6, तिवारीपुर में 27, कोतवाली में 27, गुलहरिया क्षेत्र में 1 और चिलुआ ताल 1 में मरीज पाए गए हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में गधा में 15, कोराबार में 6, सजनवा में 12, खजनी में 9, पिपरौली में 4, सरदारनगर में 9, कोड़ीराम में 7, चरगांव में 19, पिपराइच में 4, कैंपियरगंज में 2, पाली में 2 मरीज के साथ साथ 21 अन्य मरीज भी पाए गए हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है।